मतलब फतेह मक्का के बाद जो मुनाफिकीन ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ लिया, वो भाई ठंडे दिमाग से सोचता नहीं, मुस्तफा नहीं पहचाने मुनाफिक, खुद पहचान का मुनाफिक, मतलब सोचना चाहिए ऐसी बात आप लोग बोलते हो। फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी ने अबू सुफयान की बेटी को अपने निगाह में ले लिया, यार हम उनके फैसलों को चैलेंज करेंगे, जो नबी ने कबूल उनके सत्ते में तो ईमान मिला, बोलो ईमान किसका नाम है, हम पे ईमान लाने का, उनकी रिसालत को मानने का, यही तो ईमान है, बोलो ईमान का हिस्सा है कि अहम हिस्सा है, आपने मानेंगे तो काफी हो जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे कुछ नहीं होगा, जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह भी जरूरी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी जरूरी है, उनका फैसला हमारा फैसला, हमको औरतें चैलेंज करने वाले, ये तो सवालियों की बोली है, ये तो फितना डालने वालों की बोली है, भाई सहाबा ने दीन का बहुत बड़ा काम किया है, हमें एतराफ करना चाहिए, और सबसे अच्छी बात तो हम ये कह रहे हैं ये फितना तो ईरान वालों ने शुरू करा दिया, और सही बात तो ये है कि हमें मुशाजरात में पढ़ लेना चाहिए, हम तो सारे सहाबा की इज्जत करें, बात उम्मत में हजारों मसाइल हैं यार, वो हल कर दो, कितनी मसाइल है बताओ, क्यों हजरत अब बताओ, ये कितनी औरतें जो है मुस्लिम बहनें पहले थी अब नहीं है, इर्तिदाद के रास्ते पर है, गैर मुस्लिमों के साथ बताओ घोरा तो नहीं हो रहा, सब कुछ देख रहे हो कितने बुरे हालात हैं दुख के हमारे, उन्हें महीने सोच के आएंगे तो परेशानी पड़ेगी, मगर याद रखो मेरे भाइयों, हुसैनियों का तबका जिंदा रहेगा, हम इंशाअल्लाह हक की तर्जुमानी करते रहेंगे, मैं तो कहता हूँ फरूई मसाइल में नरमी अख्तियार करो, यानी अपने अपने मौके पे चलो, लेकिन किसी पे जोर जबरदस्ती मत करो, लेकिन अकाइद के मामले में नरमी आ गई तो मामला खराब हो जाएगा, ऐ मेरे भाइयों हमें हक के साथ रहना, प्यार के साथ रहना, मोहब्बत के साथ रहना, आपस में नफरतों को फरोग नहीं देना, मोहब्बतों को फरोग देना, हम तो हक वाले प्यार वाले, अबू बकर भी हमारे, उमर भी हमारे, उस्मान भी हमारे, अली मौला मुस्लिम कुशा भी हमारे, अहले बैत का दामन भी नहीं छोड़ेंगे, सहाबा का दामन भी नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया को बताएंगे कि मुस्तफा के दीवाने हैं, अच्छा किरदार बनाओ मेरे भाइयों, ऐसे बन जाओ कि जिधर को गुजरो दुनिया कहे देखो मुस्तफा का वफादार जा रहा है, कितना मुबारक महीना, तो ये महीना ना होता तो जीना ना होता, शहर का वक्त है मासूम कलियां मुस्कुराती है, हवाएं कर मतम के तराने गुनगुनाती है, रात जा रही है दिन आ रहा है, अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि दिन जा रहा है और रात आ रही है, मगर है ऐसा कि अंधेरा जा रहा है उजाला आ रहा है, मैंने देखा गुलाब की सुबह में खिलता है, कली बनती है पूरी रात में गुलाब बनता है शहर के वक्त में, कहीं ऐसा तो नहीं ये भी मुस्तफा का मीलाद मनाता है, वो चूड़ियों को देखा सुबह सुबह वो भी चहचहाती सुबह सुबह, वो तोते भी बोलती जनाबे वाला मुर्गे भी बोलते सुबह सुबह, ये क्या करते समझ में बात नहीं आती, जब मैंने गौर किया तो पता चला कुदरत ने निजाम बना दिया, शहर के वक्त में आना कला लाएगा, गुलाब तुझे भी शहर में खिलना है, परिंदो तुम्हें भी शहर में बोलना है, पता ये चला और ये डब्लू गैर मिलाद वाला है, डब्लू नहीं समझते हो, अरे उल्टा है, उल्टा है, मैंटर माजा डे भी मनाएगा, सबके सबके नहीं मनाते हैं नावे वाला,
मतलब जब मुस्तफा का दिन मनाने की बात आएगी, हुसैन का दिन मनाने की बात आएगी, तो मजला हो जाता है। बिट्स ज्यादा अधिक परेशानी है, खर्चा सैकड़ों वाले कर रहे हैं, तभी उनकी खराब हो गई। मगर आप वायरस यहाँ भी हो गए, हम तो उनसे भी कहते हैं कि प्यार से समझ लो कि मीलाद का इंतजार करके फिटने का दिल कर जाएगा तुम्हारा। मीलाद क्या है, अल्लामा फजल, तुमने नाम सुना होगा अल्लामा फजल रहमत गंज मुरादाबाद ये रहमत आला हजरत उनके पास गए थे, बहुत बड़ी शख्सियत है वो, सुन्नत के कायल थे मीलाद शरीफ के, आला हजरत मुस्तहब कहते थे उनसे। आला हजरत जब उन्होंने कहा कि इमाम अहमद रजा मैं इस मीलाद को सुन्नत मानता हूँ, कहा इसलिए कि सहाबा कराम जब कहीं तबलीग के लिए जाते थे तो क्या बोलते थे, मुस्तफा बारह तारीख को आए तो मैंने नबूवत का ऐलान किया, हम लोग मीलाद में क्या बोलते, बोलो से बोलो। बहुत बड़े बुजुर्ग हम उनके वहां गए उसमें, तो ये क्या करते थे।